रायपुर से खबर यह है कि युवक की मौत पर हंगामा हो गया है। तिल्दा में सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है। गुस्साए लोगों ने दो ट्रकों में आग लगाई है। प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिजन को मिलेगा 25,000 रुपए का मुआवजा। गैरेज मालिक ने उचित मुआवजा देने का भी आश्वासन दिया है। गुस्साए लोगों ने दो ट्रकों में आग लगाई है। युवक की मौत पर हंगामा हुआ है। प्रशासन ने किया है मुआवजे का ऐलान। मृतक के परिजन को 25,000 का मुआवजा दिया जाएगा। गैराज मालिक ने उचित मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया है। किसी की जान चली गई और अब बात यहां पर आकर मुआवजे पर टिक गई है। किसी के घर का चिराग चला गया और बात 25,000 रुपए के मुआवजे पर हो रही है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये पहली खबर है साथ की बड़ी बात की। इसमें मृतक के परिजन को 25,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा और ये उसके बाद गैराज मालिक ने उचित मुआवजा देने का भी आश्वासन दिलाया। जैसे लग रहा है कि उचित मुआवजा नहीं, एहसान देने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। युवक की मौत हुई है और उसके बाद हंगामा हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान किया है और जो मृतक के परिजन हैं उन्हें 25,000 रुपए का मुआवजा, यानी मृतक के परिजन को मिलेगा 25,000 का मुआवजा। गैराज मालिक ने भी कहा है कि उचित मुआवजा देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। में जो नेवरा एरिया है और मेन रोड में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कार मोटरसाइकिल का आपस में एक्सीडेंट होने से साइकिल सवार जो युवक था उसका एक्सीडेंट से मृत्यु हो गया था। जिसके बाद गांव वाले जो मोहल्ले के लोग हैं आक्रोशित होकर के वहां पे जो ट्रक खड़ी थी उस पर आग भी लगा दिए थे। इस दौरान पुलिस बल मौके पर उपस्थित होकर के फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग को शांत बुझाया गया था। इसके बाद फिर इन लोग आकर के थाना के सामने बैठ गए थे, चक्का जाम करने का कर रहे थे। और जिसका जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है और पुलिस है और जिला प्रशासन के ADM SDM के द्वारा आपस में उनको समझाइश दिया गया और विधि सम्मत जो भी घटना हुआ है उस पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया, जिसके बाद वो लोग उठ करके चले गए। बताया जा रहा है कि यहाँ जो ये ट्रक खड़ा है इसके आसपास जो है वो एक बाइक सवार जो एक युवक है जिसका पहचान जो है राहुल साहू 22 साल नेवरा बस्ती का रहने वाला है, वो पहले टकराया है, उसके बाद गाड़ी से टकराया है। लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वो पहले गाड़ी से टकराया, उसके बाद जो है वो ट्रक से जाके टकराया है और जिससे कि उसकी मौके पे ही मौत हो गई। उसके बाद जो है यहाँ पे करीब 300 से 400 जो ग्रामीण थे वो काफ़ी आक्रोशित हो गए और ये ट्रक में यहाँ जो ट्रक खड़े थे दो ट्रकों में यहाँ पे आग लगाई है। हम यहाँ पे बात देख सकते हैं कि पुलिस भी है यहाँ पे, जो तिल्दा के थाना प्रभारी हैं श्याम जी, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या सूचना हुई थी, क्या घटना यहाँ पे हुई है? लगभग 7 बजे की घटना है और एक व्यक्ति लड़का है 20 साल का, जो कार से एक्सीडेंट होकर ऐसी सूचना मिली थी। फिर आए हम देखे तो काफ़ी भीड़ थी। ये है कि पुलिस की तत्परता से बॉडी को वहाँ तक ले जाया गया हॉस्पिटल में और उस समय ही चालक ही उठा के ले गया था जो इसे टकराई थी। फिलहाल अभी जो पुलिस है वो इस जांच में जुटी हुई है कि वो जो युवक है वो पहले जो एक डस्टर गाड़ी थी उससे टकराया है, फिर ट्रक से टकराया है, और फिर या फिर ये ट्रक से टकराने के बाद वो डस्टर गाड़ी से टकराया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा जो है ये सारथी ट्रेडर्स के बाहर का है। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24, तिल्दा रायपुर। आज बुलेटिन की शुरुआत कर वो एक बड़े खबर के संग। रायपुर ले बड़े खबर है, जहां सड़क हादसा के बाद तिल्दा में बवाल होंगे। सड़क हादसा में युवा के मौत के बाद यहां लोगन आक्रोशित लोगन जम के हंगामा करिन। गुस्साए भीड़ा दो खड़े ट्रक में आग लगा दी। भीड़ा पुलिस ला दौड़ाए घलो है। हंगामा के बाद ले तिल्दा में तनाव की स्थिति बने हुए है। फिलहाल जो प्रदर्शन है वो खत्म हो गए, लेकिन अब भी तनाव की स्थिति मौका में बने हुए है। राजधानी रायपुर ले अतिरिक्त पुलिस बल भेजेगी। गुस्साए ग्रामीण मन देर रात धरना खत्म करें। जिला प्रशासन के पहुंचे के बाद धरना वो मन के खत्म हुए। प्रशासन अब मृतक के परिजन ला 25,000 मुआवजा दिस। गैरेज मालिक के उचित मुआवजा के आश्वासन गैरेज मालिक का घलो दे है। अब ये आप मतलब ये बता दें कि ये पूरा मामला जोन रही से
खड़े ट्रक ले बाइक सवार के टकराए के बाद होकर मौका में मौत हो गई। आक्रोशित भीड़ जो ने वो ट्रक में आग लगा दी, दो ट्रक में आग लगा दी। ज्यादा जानकारी के साथ तहसील जैदी हमारे तरफ फोन लाइन में जुड़ा थे। तहसील, कल रात जौन तरह यहाँ बवाल हुई इस युवक के मौत के बाद, अभी स्थिति कैसे मौका में? देखिए, अभी ताजा सूरत हाल की अगर बात करें तो धरना प्रदर्शन तो खत्म कर दिया ग्रामीणों ने, लेकिन जो तनाव है वो अभी फिलहाल बना हुआ है। क्योंकि अगर बात करें तो नेवरा कोटा रोड पे जो हाई स्कूल के पास में जो सारथी ट्रेडर्स का जो गैरेज है, वहां पे जो है इस बात की शिकायत ग्रामीणों ने 3 माह पूर्व भी इस बात की थी कि वहां पे जो है ट्रक जो है बड़ी संख्या में खड़े रहते हैं सड़क के किनारे, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है, और लिखित इसकी शिकायत की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन पुलिस के अधिकारियों का ही कहना है कि 3 माह पूर्व जो है वो पुलिस वहां मौके पर गई थी, वहां समझाइश दी गई थी, लेकिन उसके बाद 1 हफ्ते तक भी वहां गाड़ी नहीं खड़ी, लेकिन उसके बाद लगातार गाड़ी खड़ी हो रही थी। तो उसके बाद उसकी परिणति ये हुई कि कल जो है एक 22 वर्षीय जो राहुल साहू नामक जो नेवरा बस्ती का रहने वाला था वो उससे टकरा के उसकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन ये अभी उसमें एक बड़ी जांच का विषय ये है कि जो बताया जा रहा है कि एक जांजगीर तरफ से एक दस्तर गाड़ी आ रही थी, पहले उस कुछ लोगों का कहना है कि पहले उससे टकराया है फिर ट्रक से टकराया है, कुछ लोगों का ये कहना है कि पहले ट्रक से टकराया है उस गाड़ी से बचने के लिए, फिर उसके बाद वो गाड़ी पे से टकराया है। तो अभी स्थिति क्लियर नहीं है, और इसी बात का आक्रोश जो है ग्रामीणों में था कि ये जो है घटना किस तरीके की हुई है ये अभी क्लियर नहीं है। पुलिस जब वहां मौके पर पहुंची तो काफी आक्रोश था ग्रामीणों में, और उसके बाद वो इतने आक्रोशित हो गए कि पुलिस को भी दौड़ा दिया और खड़े ट्रकों में कांच फोड़े और 2 ट्रकों में आग लगा दी। फिलहाल वहां जब जिला प्रशासन पुलिस के अधिकारी पहुंचे, घंटों जो समझाइश का दौर चला, आधी रात को इस बात को सहमति बनी कि उसको जो मुआवजा जो प्रशासन के द्वारा 25,000 दिया जाएगा और जो साथी ट्रेडर्स के मालिक हैं उनकी तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। इस बात की पुख्ता जब सहमति बन गई तब ये जो है धरना खत्म हुआ है। अभी फिलहाल आज जो है शव का पोस्टमार्टम करके ग्रामीणों को सौंपा जाएगा और अभी उसके बाद उसका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। तब तक जो है पुलिस वहां तैनात की गई, अतिरिक्त बल गया है। तो अभी भी यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के तहसील नंबर जुड़े में ये पूरा जानकारी का।